उस फिल्म के अंदर नाम से बताते थे क्रिकेट पे है कि उसके अंदर भी ऐसी कुछ इंसानी फितरत वाली कुछ और भी बातें आपने पेश की है, उसके अंदर भी कुछ मोटिवेशनल बातें पेश की क्या आपने, या सिर्फ क्रिकेट पे ही है वो? देखिए हाँ, इसमें भी कुछ पोर्शन मोटिवेशन का है। जब मिताली घोषाल और पार्थ रुद्रो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इसका सब्जेक्ट सुनाया, बताया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये ऐसे अच्छा सब्जेक्ट है तो ऐसी सब्जेक्ट पर फिल्म बननी चाहिए। अब मिताली घोषाल के ऊपर मैंने विश्वास क्यों किया, जबकि वो फिल्म डायरेक्टर थी नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर थी नहीं, इससे पहले कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। मैंने उसके ऊपर विश्वास इसलिए किया कि वो स्पोर्ट्स की एक क्रिटिक रह चुकी है, बहुत जानी मानी क्रिटिक, उसका नाम रह चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ये क्रिटिक रही है और स्पोर्ट्स की क्रिटिक रही है, इसके पास सेंस जरूर होगा, ये फिल्म को अच्छा बना सकती है। क्योंकि एक फिल्म को अच्छा बनाने के लिए सेंस की भी ज़रूरत होती है, सही मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इसके पास ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इस फिल्म को दिखा पाएगी और फिल्म को रियलिटी दे पाएगी। इसलिए मैंने इस पर विश्वास किया और मैं इस फिल्म को निर्माण के लिए मैं आगे बढ़ा। हाउ डू यू फील इस फिल्म को ब्लेसिंग्स देने, आशीर्वाद देने, अपने गुड लक कहने सौरव गांगुली आए और उन्होंने जो है फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। सौरव एक बहुत बड़ा नाम है, एक्स कैप्टन भी है, कैसा लग रहा है सौरव का इस फिल्म के साथ जो है कहने के उनका आशीर्वाद मिलने से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सौरव गांगुली का देखिए जी, मैं अगर बोलूँ तो मैं उनका फैन रह चुका हूँ। सिर्फ वो एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। मैं सचिन तेंदुलकर को भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वास्तव में एक अच्छे इंसान है। ठीक इसी प्रकार सौरव गांगुली जी एक अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ। अब जब वो हमारे इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज़ पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, रियली कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमसे जुड़े, और बहुत जल्द शायद हम उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और उसकी रिपोर्ट भी आपको जल्द मिलेगी। Can you throw some lights on your other projects apart from 22 years? कोई और प्रोजेक्ट ऑन है या कोई कुछ बातचीत चल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स मेरे माइंड में हैं। पहली बात तो मैंने कहा ना, एक मोटिवेशनल फिल्म, बहुत जल्द मैं एक अच्छी मोटिवेशनल फिल्म शुरू करने वाला हूँ। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में आप कुछ देना चाहते हैं, क्या यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे में आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए फाइनेंसर फिर दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं? देखिए, असल में देखा जाए तो मेरा जीवन कर्म जो मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरी असल कर्म भूमि महाराष्ट्र आई थी, मुंबई थी। मैं इस मुंबई में 87-88 में आया था। 87-88 से करीब मैं यहाँ पर मुंबई शहर में सन 2000 तक रहा हूँ। इस बीच में मैंने बहुत से काम किए, मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने फिल्म प्रोड्यूस किया, टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए, मैं जाना माना एडिटर बना। मगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा, मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान हुआ। मगर मुंबई छोड़ के तो गया, दिल से नहीं गया छोड़कर। दिल में कहीं ना कहीं अटैचमेंट जरूर जुड़ा हुआ था इस मुंबई से। मुंबई क्योंकि मेरी कर्मभूमि थी, यहाँ से मैंने एक अपनी पहचान पाई थी। वो पहचान में छोड़कर यहाँ से जब मैं गया बाहर, दूसरा जीवन शुरू किया। जब मैं यहाँ था, एक दूसरा सूर्य सेना था। मैं आज बताता हूँ, आज मैं वो सूर्य सेना नहीं हूँ। जो सूर्य सेना यहाँ था सन 2000 तक, वो खत्म हो चुका है। आपने अभी कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा और अब आप वापस एक नई शुरुआत करें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब इस नई शुरुआत के पुराने अनुभव को ध्यान में रखकर डूज एंड डोंट्स क्या क्या आपके जीवन में, या आपने क्या मानक तय कर रखे हैं नई पारी के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जब मैं यहाँ से पिछली बार गया था, मैं यहाँ पे काफी नुकसान करके गया था, एक बैंकक्रप्ट होके गया था, दिवालिया बनकर गया था। जब दिवालिया बन के गया था, तब दिवालिया जो मैं बना था उसके पीछे दोष किसी और का नहीं था, सारा का सारा दोष मेरा ही था। मैंने सही निर्णय गलत समय पर लिया, गलतियां मैंने की थी, उन गलतियों को अब मुझे नहीं दोहराना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। उससे मैंने एक पाठ सीखा, एंटरटेनमेंट को रख कर हम कोई अच्छा संदेश देते हैं तो मेरे को लगता है ऑडियंस उसे जल्दी से अचीव करेगी। पिछले दिनों कुछ फिल्में आई थी, जो फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी, खासतौर से एक आई थी सुल्तान, दंगल, ये फिल्में चक दे इंडिया,
चक दे इंडिया में मैसेज था, भरा पड़ा था मैसेज, सुल्तान में मैसेज था, दंगल में मैसेज था, मोटिवेशनल था, मोटिवेशन था, एक एंटरटेनमेंट के साथ जोड़कर उसे प्रस्तुत किया गया, ऐसी फिल्में मैं बनाना चाहूंगा। बड़ा दे बड़ा, एक मिनट आ जा पीछे, कर मैं पीछे, आप पीछे पीछे मैम, तुम यहां ही ना, वरुण जी पीछे हो गए, वरुण जी या हो जाओ मैडम, लिटिल बिट गो बैक, यस यस, ऑल ऑफ यू सेंटर लुक, सर मैम, या मैम 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 यहां देखिए मैम, मैम सर, मैम यस सर, रेडी, यस, आराम से बैठ, थैंक यू महाराज, अमित वांट्स टू टेक अ सिंग। चलिए